फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कलेक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कभी कभी हमें मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है कि झटपट से कुछ मीठा बनाए और खा ले। आज मैं आपको ये झटपट से इंस्टेंट बर्फी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम फ्रेश नारियल से बनाएंगे और बिना मावा, बिना खोआ, बिना मिल्क पाउडर के झटपट से बनने वाली इस बर्फी को चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पे ताज़ा नारियल लेंगे। इसको मैं यहाँ पर ये जो ब्राउन से छिलका है इसका हल्का सा मैं रिमूव कर दूँगी। ऐसा करने से जो बर्फी है खूबसूरत बनकर आती है, मुँह में इसके ये जो थोड़े हार्ड और स्ट्रॉन्ग पार्ट्स होते हैं वे आते ही नहीं है। इसे बर्फी एकदम मुँह में जाते ही पिघल जाती है, बहुत ही बढ़िया बर्फी बनती है इस तरह से ताज़े नारियल की। तो मैंने इन्हें अच्छे से छील लिया है। इसके बाद में हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि जब इसे मिक्सर जार में डालें तो ये आसानी से पिस जाए। यदि आपके पास कोकोनट स्क्रैपर है तो उससे भी इसे स्क्रैप कर सकते हैं। अब इस बारीक कटे हुए नारियल को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और हम इसे पीस लेंगे। ध्यान रखें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस हमें इसके छोटे छोटे से यहाँ पे इस तरह से ग्रैनुल्स बना लेने हैं। और इसमें आप ध्यान रखें कोई पानी या कोई मॉइस्चर, कोई मिल्क नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये नारियल तैयार है। अब हम इसे नाप लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर एक कप मेजरिंग कप ले रही हूँ, आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं और एक कप या जितना भी आपको यहाँ पर बर्फी बनानी है उस अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। तो एक कप नारियल के लिए हम यहाँ पर आधा कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे, एकदम परफेक्ट रेशो है। यदि आप चीनी कम खाना चाहते हैं तो इसमें 2 से 3 चम्मच आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आधा कप ये चीनी ले ली है। अब हम इसकी बर्फी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नारियल को एक बर्तन में डालेंगे और इसे हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे ताकि हम यहाँ पर इसका थोड़ा मॉइस्चर सुखा सकें, ताकि बर्फ़ी जब हमारी बने तो अच्छे से बाइंड हो जाए। तो इसका मॉइस्चर सुखाना काफ़ी ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूस हिलाते हुए पका लेंगे। ध्यान रखें इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, तो फ्लेम को बिल्कुल भी हाई पर न करें और इसे कंटिन्यूस इसी तरह से हम स्टर करते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा जो कोकोनट आप देखेंगे हल्का सा ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसमें चीनी डालेंगे। तो आधा कप के करीब आप यहाँ चीनी डाल दें और साथ ही हम यहाँ पर इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। यदि आप घी नहीं डालना चाहते तो बिना घी के भी बर्फी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती है। घी से इसमें एकदम हलवाई जैसा, मार्केट जैसा टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसमें हमेशा इस तरह से घी डालती हूँ। इसी तरह से हम इसको यहाँ पर अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे। हमें चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है और बाद में जो चीनी पिघलेगी उसे भी अच्छे से यहाँ पर इसे हमें सुखा लेना है। तो इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूस हिलाते हुए तब तक पकाना जब तक कि सारा मिक्सचर कढ़ाई में या बर्तन में एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। और जब आपको लगे कि इसकी बर्फी सेट हो जाएगी आप गैस को बंद कर दें। और गैस को बंद करने के बाद में हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पर मैं नारियल की बर्फी में कभी भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, ये ऐसे ही खूबसूरत और टेस्टी लगती है। तो इसे इसी तरह सिंपल तरीके से बनाएं ताकि नारियल का बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर यहाँ पर आए। तो ये सभी मिक्सचर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। मैंने पहले से एक प्लेट को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया। आप कोई भी थाली या कोई भी बर्तन ले सकते हैं और तैयार मिक्सचर को हम इसमें पलट देंगे और इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, इसे जब भी आप बनाएं ज़्यादा क्वांटिटी बनाएं क्योंकि बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है। 2 दिन तक इसे बनाकर आप रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। उसके बाद यदि लंबे टाइम तक आप इसे यूज करना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में रखें। आराम से 1 वीक तक ये फ्रेश बनी रहती है, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है। और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं जो हमें मार्केट से लाना है। जब भी घर पर इस तरह से नारियल रखाओ आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। घर ये अच्छे से सेट हो चुकी है, मैंने इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब इसके मनपसंद आकार के इसके आप शेप्स कट कर ले। मैं यहाँ पर इसे छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस कट कर रही हूँ ताकि एक जने को एक सर्विंग आप इजीली सर्व कर सकें। तो इस तरह से हमारी बर्फी बनकर तैयार है। अब आप चाहें तो यहाँ पर चांदी का वर्क लगाएं या फिर ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर ये पिस्ता की कतरन लगा रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चांदी का वर्क लगाने से खूबसूरत इसमें टेक्सचर आता है और एकदम मार्केट जैसी लगती है। तो इस तरह से हमारी ये खूबसूरत टेस्टी और झटपट से बनने वाली नारियल की बर्फी बनकर तैयार है। आप यकीन मानिए इसे बनाना भी सिंपल है। सिंपल इंग्रेडिएंट से इतनी आसानी से हमारे घर में ये नारियल की बर्फी बन गई जिसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो इस तरह की मिठाइयाँ आप ज़रूर बनाएं और देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।